सातवीं पैरा राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम सहारनपुर में सातवीं पैरा राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। आयोजक स्वराज सिंह ने बताया कि करीब 20 प्रदेश के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, हैदराबाद, महानगर जैसे शहर से खिलाड़ी आए। महासचिव सुखदेव ने बताया कि पैरा ताइक्वांडो प्रतियोगिता में दिमाग से कमजोर या जो सुन बोल नहीं सकते आदि दिव्यांग खिलाड़ियों को खिलाया गया। आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। साथ ही प्रतियोगिता में निर्णय की भूमिका निभाने वाले रेफरियों का सम्मान किया गया। जी, मेरा नाम है वसीम अकरमुल्ला, मैं हूँ असम से, बट अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में मैं वर्किंग हूँ स्पाइस जेट में एज ए इंस्ट्रक्टर। सो अभी जैसे कि यहाँ पे सेवेंथ नेशनल क्यूरोगी चैंपियनशिप चल रहा है जो कि पैरा का है, जिसको हम स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, जो फिजिकली एबल नहीं हो पाते, जिसके लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड पैरा ओलंपिक भी होता है, उसी का ही एक पार्ट है, और इट इज़ पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन जिनके थ्रू ये चैम्पियनशिप हुआ था। उसमें से 6 और 7 को नेशनल रेफरी का हुआ था, जो भी रेफरीज पार्टिसिपेट किए उसका एनआर का कोर्स हुआ था, जो कि लिए थे एटी राजीव सर, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक रेफरी है। एंड उसके बाद 2 दिन का होने के बाद 6-7 हुआ, देन 7-8 फिर हमारा जो कि नेशनल चैम्पियनशिप था उसमें अप्रोक्स 30 से ऊपर ये रेफरीज आए थे ऑल ओवर द इंडिया जो कि सिलेक्ट हुए थे। सो उसके बाद ये सारे रेफरीज यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, पार्टिसिपेट करने के बाद ये जितने भी यहाँ पे इवेंट्स हुए थे, ऑलमोस्ट बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, बहुत सारे कैटेगरीज हैं। सो जैसे कि कोई कान से नहीं सुन सकता, कोई व्हीलचेयर है, कोई डिफेंडम है, तो बहुत सारे कैटेगरीज जिसका हाथ नहीं होता है, तो उनके लिए अलग अलग टाइप्स के कैटेगरीज होते हैं। कुछ पुमसे बोला जाता है जिसको आप डेमोन्स्ट्रेशन बोल सकते हैं, और कुछ जो फाइट्स आप जानते हैं जिसको कीरोगी बोलते हैं। तो ये सारा इवेंट एक ही एरिना के अंदर हुआ है, तो यहाँ पे 2 एरिना टोटल बनाया गया था। सो सारा कुछ अच्छे से हुआ, उसमें से वन ऑफ माई फ्रेंड जिसका नाम है गोभी, सो वो भी अच्छा पार्टिसिपेट किया और मेडल भी लिया, जो कि नेशनल रेफरी कोर्स भी कर चुका है, बट उन्होंने गेम खेला है तो उसका भी गेम और रेफरी दोनों एक साथ नहीं कर सकता। सो उन्होंने गेम खेला और अच्छा मेडल लिया है, तो अभी से उसका फाइनल चल रहा है, सो मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड विन कर सकता है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम। हाय, मेरा नाम संदीप सिंह नेगी है, मैं पंजाब नेशनल बैंक में एज सीनियर मैनेजर जॉब करता हूँ, और मैं ताइक्वांडो में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे पैरा ताइक्वांडो नेशनल्स में आया हूँ जो कि सहारनपुर में हो रहे हैं, और इसमें मैंने कुंभ से परफॉर्म किया है जिसमें कि अभी मेडल सेरेमनी अभी होनी है, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरा इसमें गोल्ड आ रहा है क्योंकि जो पॉइंट्स में है उसमें मैं अभी टॉप पे हूँ, और इसने मेरे को बहुत जो है उत्साह दिया है कि मैं आगे ताइक्वांडो करता रहूँ, और मैं जो है ये पूरा सच पर हूँ। आज पैरा ताइक्वांडो का नेशनल्स है, तो आज हम लोग सब पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है पार्टिसिपेट करके, लग रहा है कि हम लोग भी कुछ दे सकते हैं इस देश के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है, चल रहा है। क्या नाम बेटा आपका? मुझे भी आकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहले पार्टिसिपेट करी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसमें मेडल जीतकर ही जाना है, मेरे माँ बाप का नाम रोशन करके, मेरे माँ बाप का हमको जो कोच सिखाए ना कोच, उनका भी नाम रोशन करके हम आगे बढ़ के हम अच्छा से सीख के दुनिया का नाम रोशन करना है पूरा है। मेरा नाम रश्मि है और मैं बिहार से हूँ, यहाँ फर्स्ट टाइम मेरा मैं यहाँ पार्टिसिपेट की हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University, for excellence in life.